Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Elden Ring. The last video you guys saw me fighting with some unknown boss and dying like a dog. But we are going to I think this is the bridge. We are going here and then we are traveling backwards. I want to see something here. We already found some pretty interesting things while going up and down. अच्छा अच्छा चीज मिल जाता है यहाँ से. There should be a giant here, yeah. Oh, I found the bats! I found the fucking bats, man! Bats are back! I think that boss will be back now. 100% that boss will be back. बैट्स लोगों को मारना भी इसको मरने का जरूरी है. Go up. I think I can find the boss again. That boss is very rare to find. First of all, I will kill this guy first. I am 50-60% sure that boss is going to show up. Yes, yes, bitch, yes. What the fuck? Yeah, boss, that's my pattern, right? मुझे तो लगता है इसीलिए इन लोगों को यहाँ पे रखा है. Yeah.
teacher you had. Está a la vista. तो सामने से कभी अटैक मत करना भाई। बहुत मुश्किल से हाफ हेल्थ हाफ भी नहीं कर पाया मैं। अरे मारो तुम दोनों, माफी करो भाई। दूसरे के साथ एंगेज करो और मारो मैच। भाई ये एनिमी थोड़ा रेयर है, मैं पूरा रेयर नहीं बोलूंगा, थोड़ा रेयर तो है भाई, क्योंकि ये एनिमी तब भी आता है जब बैट्स घूमते आसपास बैट्स घूमते हैं तभी आता है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाने का कोशिश किया, मैं मर गया था। उसके बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया लेकिन वो नहीं आता है। दिस बॉस ओनली कम्स व्हेन द बैट्स spawn near this place, otherwise this enemy will never be in the vicinity. So one down, several more to go. इससे अच्छा क्या बोलूँ मैं। एक और चीज़ था, पानी का रास्ता किधर था भाई, मुझे और एक जगह भी जाना था। वो वाला पानी का रास्ता नहीं भाई, उधर तो ड्रैगन बैठा हुआ है। और एक पानी का रास्ता है लेकिन वो किस तरफ है मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ये
झूठ मूठ को रोल मारने थोड़ी आया हूँ इधर भाई। नीचे कुछ बॉस वॉस तो नहीं है लेकिन अरे वो क्या भालू है क्या? अरे हाँ दो भालू है वो, मेरे को पहले कभी ये दो भालू नहीं दिखा। एक सेकंड इधर से भी रास्ता है लग रहा है। पानी पानी का रास्ता है भैया, इसको सामने से भी अटैक मत करना। अरे भाई इसको हमेशा पीछे से अटैक करो। सेल्फ फीलिंग है ये, हर आदमी सेल्फ फील करता है अपने आप को। यहाँ पे तो ऐसे बाप रे बाप कितने सारे हैं यार। अभी मैं इधर फाइट लेने जाऊँगा तो बहुत टाइम भी लगेगा, प्लस ये कौन सा पानी है, इस पानी का कलर अलग क्यों है भाई? मुझे क्यों लग रहा है इस पानी में जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा। मुझे लग रहा था भाई कि पानी में जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा। गया पानी में पूरा 24,000। नीचे जाना पड़ेगा ना भाई, इधर से नीचे जाऊंगा तो 100% मार जाऊंगा, मेरे को उधर से ही जाना पड़ेगा। इधर और कोई ऑप्शन ही नहीं तो नहीं दिख रहा ना। हेलो, एटलीस्ट मतलब गेम का शुरुआत अच्छा हुआ, आज का शुरुआत अच्छा हुआ। ऐसे नॉर्मली शुरू में ही एक बॉस नहीं मिलता है, मिलता भी है तो वो बॉस मेरे को खा जाता है, मैं उसको खा नहीं पाता, वो मेरे को खा जाता है। तो ये थोड़ा सा उल्टा हुआ सुबह सुबह। सेम रास्ता अपनाते हैं, ये सब चीज से मेरे को कितना कुछ मिला है।
क्या कर, फिर यहां से ऊपर चल पाऊंगा। गिवन कि ये लोग मुझे मारना थे बीच में, तब मेरा 24,000 गया काम से। अरे ये कहां से आ गया भाई? मैं भाई इसको तो देखना जरूरी हो गया अभी। कहां कहां पे ऐसे चीज मिल जाते हैं हाई रोड को। समनिंग पूल, अरे यहाँ पे चलो बॉस फाइट है। मतलब क्या है ये? केव मॉस, इसीलिए साला लाइट देता है, मैं खरीदा नहीं था। यहाँ से नीचे गिरूंगा तो मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ मैं, गया मैं। अबे बाहर तो जाने दे, अभी आ जा। एक तो नीचे गिर गया, अब मेरी गलती नहीं है भाई, वो खुद नीचे गिरा है, उसकी गलती है। मुझे तो ऐसे भी गोल्डन रूम, नीचे तो जाना पड़ेगा, नीचे ही है जो है। ठीक है, जो है नीचे ही है, लेकिन मैं जो ऊपर से नीचे आया अभी, अभी ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने का, नीचे ही जाना पड़ेगा। कितना नीचे जाना पड़ेगा ये तो मेरे को भी नहीं पता भाई। यहाँ से कूद के मैं बच जाऊंगा लग रहा है। हाँ बचिए, अंधेरा कायम रहेगा हमेशा, मतलब जब तक मेरे को मैं खरीद नहीं लेता। सोच रहा हूँ कि गलती से किसी बॉस के मुंह में ना घुस जाऊं मैं। पानी की आवाज आ रहा है, वो है क्या बॉस? नहीं नहीं मुझे बॉस तो नहीं लग रहा है, लेकिन
को हार ले जाता है बॉस, सॉरी ओ भाई, ये लोग यहाँ पे भरा पड़ा है आपके पास की ना कुछ चीज। अच्छा वहाँ से वहाँ जम करना है, सोड मेरा इससे भी बड़ा देखा है मैंने, इससे बहुत बड़ा देखा मैंने। लगता है इधर से जाके वो वाला मिलेगा, वहाँ पे एक बैट बैठा है, पता नहीं किससे बदला लेने बैठा है। मेरे को वही समझ नहीं आया कि समोनिंग पूल वहाँ पे क्यों दिया है। अभी तो निकलने नहीं देगा, ये तो रास्ता बंद करके बैठा रहेगा। ऑलरेडी रास्ता बंद कर चुका है, जा ही नहीं पाऊंगा उधर से भी, इधर वेट करता हूँ। मेरा किस्मत अच्छा है कि ये बहुत स्लो है, मैंने बोला नहीं कि इधर भी यही जाएगा। निकल फिर बाहर निकलने का, कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा। फिर से नीचे जाऊंगा, यहाँ से वैसे ही निकलना पड़ेगा, समझे ना।
मतलब वही फास्ट ट्रैवल करके निकलना पड़ेगा। यार अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है अच्छे से। एक अच्छा हुआ एक साल ये बहन के लोड़े अभी क्या है 10 दिया हुआ 10। इसलिए 90% लोग ये गेम मतलब बीच में ही छोड़ देते हैं। ये देखो कैनॉट ट्रैवल टू ए लोकेशन क्यों, क्योंकि मैं केव में हूँ ना इसीलिए। चोट की हालात हील करता है मतलब चार के लिए इतना मेहनत भाई, हजार हजार मिल जाता है उस जायंट लोगों को मारने से, हजार मिलता है हजार। मैं भी साला क्या करने के चक्कर में क्या कर बैठता हूँ, दिमाग का माल एन कर देता है ये लोग। अरे देखो गड्ढा बना के रख दिया, ये भी काटता है भाई, ये छोटा मोटा चीज ये भी काटता है, तो गंदा काटता है वो।
चुपचाप मर जाने का है। Okay, found this guy. तो आप लोगों को रास्ता चाहिए तो मैं बता देता हूँ रास्ता कहाँ से मिला मेरे को। मैं ये शैक से ही निकला, आरबी शैक, यहाँ से थोड़ा इधर आ गया। और ये भी मुझे तब से मेरे को सुनाई दे रहा है लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं ऊपर आया तब मेरे को दिखाई है। शॉर्टकट से नहीं आया हूँ, लॉन्ग कट से ही आया हूँ। इन लोगों का हेल्थ बहुत ज़्यादा होता है यार, मैंने एक बार कोशिश भी किया था सामने जाने का। एक बियर तो मुझे लगभग मार ही डाला था वहाँ पे। सो यू कैन फाइंड दिस ग्रेस हियर। इस ड्रेस से बहुत नज़दीक है। ये जगह इसका कैसल क्या स्ट्रॉन्गविल कैसल ही है मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है। ये लोग बहुत ही कमज़ोर है, एक एक हिट में सब मर गया। मैं इधर इन लोगों को मार के ही फिर ऊपर गया था क्योंकि नीचे ब्रिज के नीचे ये लोग रहे, ब्रिज के ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ। क्या रे बुढ़वा, इसका इंतजार कर रहा है। थर्ड चर्च ऑफ मारिका, थर्ड चर्च क्यों भाई? सीक्रेट टीयर, ओ सीक्रेट टीयर, यहाँ आके सीक्रेट टीयर मिला। फ्लास्क ऑफ वंडरस फिजिक,
distal tears at the bases of minor arteries and elsewhere throughout the lungs between excited subjects. You can mix two crystal tears in the flask of Andros Physic. This will allow you to create elixirs with various custom effects. अच्छा, crimson crystal tear मिला तुमको. ये होता क्या है? क्राफ्टिंग में नहीं दिखाएगा तो कहाँ दिखाएगा भाई? इन्वेंटरी में ही देख लेता हूँ. ये चीज मिला है. Restores half of total HP in mixed physic. अच्छा, secret flask's potency. अच्छा, flask की potency बढ़ता है. वहाँ पे 24,000 गया, मेरे को उससे कोई दुख नहीं है. ओ, मेरे को लगा था सीट से होता है. टॉक टू मेलिना. अरे मेलिना से बात करता हूँ. ये यहाँ पे होता है मिक्स फंगस फिजिक. तो अपने पास इसको यहाँ ले लेता हूँ. टेम्पररी बूस्ट स्टैमिना एंड मिक्स फिजिक एनहांसेस चार्ज अटैक्स फॉर ए टाइम इन मिक्स फिजिक. इन दोनों को रखता हूँ. मिक्स मैच करके दोनों को यूज करना है. फ्लास्क में ऐड चार्ज. गोल्डन सीट तो नहीं है. ओ, इंक्रीज अमाउंट रिप्लेनिश्ड बाय फ्लास्क. अच्छा, थोड़ा ज्यादा हील होगा. मेरे को लगा 5 है 6 हो जाएगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे गोल्डन सीट चाहिए उसके लिए. कोई बात नहीं, अभी हील थोड़ा ज़्यादा होगा ना. ऐसे बीचेस देख के घूम के मत चले जाना भाई. बीचेस में बहुत कुछ होता है. कभी कहाँ हिडन डोर, ये वो बहुत कुछ रहता है यार. ये ब्लू वाले पानी में मत जाना बस, क्योंकि ये मार देगा तुरंत. You will die in seconds. 0.01 second. नहीं, इसको क्या लगा क्या था? अपन पहले वाला कमजोर वाला नहीं है ना अभी. अभी हेल्थ अपग्रेड किया है, स्टैमिना अपग्रेड किया है. मुंह दिखाने के लिए तो नहीं किया ना भाई. इसका देखो, बेबी वर्जन ऑफ जो पहले आया था वहां पे. मैं हिल नहीं भी करता तो भी चलता. ये बीच में ये क्यों है? ये
पता है उसने अटैक ही नहीं किया मेरे पे भाई। मैप मिला दूसरा और एक मैप मिला लगता है ये नीचे लेके जाता है 100% नीचे लेके जाता है। अरे हाँ इधर तो गया था मैंने किधर गया था मैं इधर गया था ये डियर लोगों को मारना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा और एक डियर यहीं पे है ये लोग क्यों चिल्ला रहा है ये देखो यहाँ पे लोग पता है ना गया मैं गया नहीं गलती से अटैक कर दिया था तेरे को गलती से मार दिया गलती से भाई। यहाँ पे केव मतलब केव नहीं नीचे जाने का रास्ता भी है जाने का कोशिश करूंगा तो ये जाने देगा मेरे को मुझे नहीं लगता ये जाने देगा मेरे को साइज देख रहे हो इसका चलो टैक्स टैलिस्मैन भाई बाहर निकलते ही मार नहीं देगा ना भाई ये तो यहीं पर बैठा है ये अंदर नहीं आ पाएगा शायद नहीं आ पाएगा अंदर इसका साइज बहुत बड़ा है नहीं आ पाएगा अंदर जो सीधा मारता हाँ ये वाला आ गया इसको लेता हूँ
साला इसका मुंह अंदर घुस गया था। गेट मार के मेरे को भी मरना मिला हुआ, उसको नहीं मिला है, वो नहीं घुस सकता अंदर। अच्छा मेरे को भी तालिस्मान मिला ना, एनहांसेस चार्ज अटैक्स। नहीं नहीं तालिस्मान तो शायद इधर लगाने को होता है ना, raises defense when HP is low. उतना हार्ड भी नहीं था लेकिन मतलब अगर मैं अंदर ऐसे मतलब क्या बोलते हैं इसको हैंडीकैप सिचुएशन में नहीं फाइट करता उसके साथ तो ये मुझे परमानेंटली हैंडीकैप बना देता है, ये श्योर हूँ मैं। ओनली वॉज एबल टू किल हिम बिकॉज दैट वॉज रियली एन हैंडीकैप मैच बिटवीन मी एंड द बियर। कैसे कैसे चीज मिल जाते हैं ये बियर किसी चीज को बांट कर रहे हैं यहाँ पर जो मैं लेके भागूंगा। लेके खेलना भी बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है, ये कहना अपना सोल्ड थर्ड सेट तो अपने को मिला है लेकिन इसका पावर अभी इतना ज़्यादा नहीं है।
एलन रिंग खेलोगे कहाँ से कहाँ तुम पहुंच जाओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैंने ढूंढने कुछ और निकला था, मेरे को और कुछ और मिल गया, मैं तो उधर चला गया फिर। जंगल के अंदर बैट जब घूमता है ना तब समझ लेना कि अंदर कुछ है। ये तो वही है ना जो मैंने देखा, नहीं ये कलर इसका अलग है। ना ना ये वही है। ये बीच तो आ चुका हूँ, मेरे को कोई और बीच चाहिए था, ये वाला बीच नहीं। रूम्स तो है इधर नहीं, लेकिन ग्रेज भी है अंदर, यहाँ पे सामान भी मिला कुछ। यही हमारी का है क्या? मेरे को बहुत कुछ नहीं मिला है। एक सेकेंड, टाइम तो हो गया है, स्वॉर्ड मिल जाता हूँ फिर से। यहाँ पे आने का मेरे पास मतलब कोई ये नहीं है कि मैं क्यों आया हूँ, मैं तो ढूंढने के लिए आ जाता हूँ। टॉक्सिक मशरूम, रॉक स्लिंग पता नहीं कहाँ काम आएगा ये।
कैसे काम आएगा, यहाँ से कैसे काम आएगा। अपन बहुत भारी प्लेयर है ना, भारी मेरे जैसे भारी प्लेयर के लिए भाई इधर कोई तो वही रास्ता है ना भाई, ये रास्ता तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। ऊपर बियर बैठा है, ग्लिमस्टोन फायर फ्लाई। जो मैं ऊपर से नीचे गिरिया था, मतलब बियर से बचते बचते, तो नीचे ये क्रिस्टल था और ये टकलू बैठा था। तो लगभग वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया है। अबे क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्या हुआ था यार। अचानक से देख रहा हूँ कि कोई कुछ क्यों काम नहीं कर रहा है, मेरे को ऑल्ट F1 मार के निकलना पड़ा यहाँ से। ज्यादा कुछ मिलता नहीं है काम करता हूँ, ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये सब जगह जो है कितना बेरंग बेरंग से मारा था इसने मुझे। मैं दिखाऊंगा लोगों को कार
Sana. ऊपर दिखाने या तुम्हारे को ऊपर दिखा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैं गलती कर गया, शूट, नहीं सही जगह पे आया, थोड़ा थोड़ा जाना पड़ेगा। 20,000 नहीं छोड़ूंगा यार, 24,000 वहां पे छोड़ दिया था। ये सही बात नहीं है, एक तो मतलब चोद माता का चोद, लौड़े का बाल, एल्डन रिंग की माँ की चूत। देता है ये, एक हिट में मार देता है, एक हिट में मार देता है ये। मैं भी साला हरामी का औलाद हूँ। खा गया हमारा चौथा बच्चा चौथ लौड़े का बाल। यही होता है, वीडियो का शुरुआत इतना अच्छा होता है ना, फिर सारा बेटी चोद मादक चोद सब आ जाते हैं एक एक करके।
लग गया अभी। एक सेट में मतलब खत्म। ये साला मेलेनिया का तरह कैसे मार रहा है यार, मुझे नहीं पता। अच्छा हुआ था क्रैश कर गया था गेम। चलो बाय गाइस, हैव अ गुड डे। क्या था
खींच के मारता है हमारे बच्चों, खींच खींच के मारता है साला लोमड़ी का बाप। आजा नीचे आजा, इसको तो इसका आकार दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कर लूँगा ये चीज़। चलो भाई गाइस, फाइनली भाई।